नमस्कार, फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। प्यार में धोखा एक बड़ा आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग धोखा खाने के बाद खासे पछताते हैं, और वो तब हुआ हो जब आपका जो लाइफ पार्टनर है, जिसने आपको शादी का झांसा दिया हो, जिसने आपको प्यार का धोखा दिया हो, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए। बात करेंगे हम, क्या हुआ है वो थोड़ा सा बता दें जी। वो है ना, पहले यहाँ पे दिल्ली में काम करते थे। कौन? रिजवान अहमद लोहार है वो। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं जी? वो कश्मीर का रहने वाला है। कौन सी जगह कश्मीर? कश्मीर रामबन, जम्मू के पास रामबन है, रामबन के पास रांची का रहने वाला है खास वो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो क्या हुआ जी? वहाँ पे यहाँ काम करता था पहले। काम करते करते मुझे उसने मतलब झांसे में फंसाया। उसने पता नहीं क्या क्या करके लेके आया घर। तो उसने बाद मुझे कहने लगा, मैं कुरान की कसम झूठी खाया, उसने शादी करना चाहता हूँ ये वो। मेरे साथ एक साल ऐसे गंदे काम करता रहता, एक साल से मेरे साथ यही रहता था। उसके बाद उसने मुझसे, मेरी जिद अड़ी, मुझसे शादी कर, मुझे ऐसे क्यों रख रहा है? तो कहते हैं, धमकी देता है, मैं चक्कू से तुझे मार दूंगा। मेरे पास चक्कू भी रखा है, उसका सारा सबूत मैंने छुपा कर रखा है इस रूम में। चक्कू भी रखा है फरीदाबाद। प्यार कैसा प्यार है जिसमें प्यार करे व्यक्ति और सामने वाले को अपने प्यार को चाकू से मारने की धमकी दे डाले, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा अंदर दिखा दो। ये छोटी सी गृहस्थी है इनकी, और आप देख सकते हैं ये टूटी हुई कॉलोनी के अवशेष हैं। हाँ भैया, ये देखें, सब सामान इन्होंने सहेज कर रखा है। ये देख सकते हैं आप, अच्छा, तो आपको धोखा देता रहा। हाँ जी, वो धमका के रखता था यहाँ मुझे एक साल से। अच्छा, उसके बाद मेहमान ने सब, मेरे को किसी के पास जाती थी तो सबके पास मुझे जाने नहीं देता था, नहीं बात करने देता था, नहीं बैठने देता था। फिर कहता था तुझे जान संभाल दूंगा अगर किसी के पास बैठी तो। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे कश्मीर ले जाके वहाँ सारी। हाँ जी, मैं यही क्यों। चक्कू कहाँ रखा? ये ना, ये चक्कू रखता था, मेरे को ये दिया था उसने। इसने इससे इस डराता था, मुझे बहुत डर लगता था इससे। देख सकते हैं फरीदाबाद आप। कहता तुझे जान से मार दूंगा, तुम दो माँ बेटी हो, ऐसे धमकी देता था मुझे वो। अच्छा, कहते थे कि अगर तूने किसी के पास बैठने की कोशिश की और किसी से बात की और तूने कुछ बात बताई तो कि कश्मीर का हूँ, तो तुझे जान से मार दूंगा मैं किसी और काम से। वो ऐसा क्यों बताता था? वो कोई स्लीपर सेल, कोई जासूसी करता था क्या? हाँ, वो ना ड्रग्स का काम, मतलब वहाँ दो लड़की बिहार से भी भगाई उसने, तो मुझे कश्मीर में बाद में पता चला, मैं उसके पीछे पीछे वहाँ तक गई। तो बताया कि उन्होंने कि कश्मीर में किसी और लड़की से शादी करी। कहते हैं तू हिंदू है, तेरे को नहीं रखना चाहता, और वो मुसलमान लड़की से शादी कर, अपनी मासी की लड़की से। कहते तो आप हिंदू हो? हाँ, मैं हिंदू हूँ, इस वजह से पापा मुसलमान है, इस वजह से उसने ऐसा ऐसा मेरे घर के। तो आपके पिता मुसलमान है? हाँ जी, और मैं हिंदू हूँ, इस वजह से। कहते तुझे नहीं रखना। आप हिंदू कैसे हो गई? आपके पिता मुसलमान है तो? नहीं, वो कहता तेरी माँ हिंदू तो तू भी हिंदू है, नहीं तो तुझे काट के मार दूंगा, नहीं तो तुझे। मतलब आपकी मदर जो है उन्होंने भी लव मैरिज करी थी है? हाँ जी, वो नहीं, मेरी मम्मी को लेके आए था, मतलब गांव से शादी करके, पापा मतलब रीति रिवाज से। हाँ, तो उनको मतलब सही था, उनको कोई ऐसे नहीं था। पर मम्मी हिंदू थी और पापा मुसलमान थे। हाँ जी। तो आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसने कहा तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो हैं? हाँ, मेरी मम्मी के मेरी मम्मी के कंप्लेंट करता था, कहता नहीं तो अपनी मम्मी को जान से मार दे, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। मुझे रोज धमकी देता रहता था, मैं उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। मैंने कि नहीं, मैं मम्मी के बिना नहीं, मैं मम्मी को नहीं मार सकती, मैं नहीं कुछ करूंगी। तो उसने मुझे बोला कि मैंने तेरे पीछे तुझसे शादी की, दो लड़की से ऑलरेडी करा था शादी बिहार से, उसको भी उसने वैसे ही गलत काम करके उसको भी छोड़ के किसी 4 लाख में बेच दिया, और उसने भी मुझे भी 4 लाख में बेचा। वहां से मैं आई, जब पता चला
जब मम्मी मुझे वहां से बचा के लेके आई थी, और अब वो कहते हैं मैंने सिर्फ मुझे तेरे से बस मुझे बाहर काम करना था, मुझे कोई बाहर सम्मान पहुंचाना था, इस वजह से तुझसे शादी की। उसने ऐसा सामान पहुंचवाया था तुमसे, मतलब वो मेरे नाम से बाइक निकाली थी, मेरे नाम से मेरे पैसे से बाइक निकाली, मेरे को एटीएम चलानी नहीं आती, एटीएम में सारे पैसे 12 लाख रुपए एटीएम में डलवाया, मोटरसाइकिल ऑटो निकल पास थे 12 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे। पहले मेरे दादू दादे थे ना, तो फौजी की नौकरी करते थे, तो उसके वजह से मेरे दादू ने मेरे पापा का सारा नाम किया, तो उसमें से मेरे दादू मेरे पापा जब डेट हुए तो मेरे पापा स्टार हुए थे, उसके बाद मेरे पापा मेरे नाम करके गए थे पैसे की, कलो के कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम ना हो तो कलो के वो रख लें, उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसा धोखा दिया है। अच्छा। और उसने फिर मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, यहाँ पे मैं रहती थी, यहाँ बहुत मारता पीटता रहता था, सब मैं इधर भागती रहती थी, सब मुझे कहते थे ये एक पागल है क्या तो तुझे इतना मारता है, तो सब कहते थे मैं डर के मारे सो जाती थी, अगर मैं कुछ करूंगी तो वो धमकी देता तो मम्मी को मार दूंगा, मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को कुछ हो जाए क्योंकि मेरे वजह से मम्मी को कुछ होने का डर लगता था मुझे। उसके बाद कहते थे मैंने तेरे से बस मेरे को बाहर से तुझे शादी इसलिए किया है क्योंकि दो लड़की के साथ मैंने शादी की थी बिहार से, उसको मैंने छोड़ दिया 4 लाख में, बोल रही थी 3 लाख में, पता नहीं कितने में बेचा उसको, वहाँ के कश्मीर में सब बात पता चली मुझे। फिर कह रहा मुझे फिर वहाँ पे खींचने लगे, मुझे भी 4 लाख में बेचा उस लड़के ने, रिजवान ने किसी और को बेच दिया तुम्हें? हाँ, 4 लाख में किसी और के साथ बेचा है मुझे वहाँ पे, मुझे सब बात पता चली बाद में जब कश्मीर गई थी, जब किसी और के साथ शादी कर रहा था जब गई थी मैं, तो मम्मी मुझे बचा के लेके आई वहां से। और कहते हैं मुझे क्या नाम है, तो जहाँ भी चली जा तो हरियाणा की है, मेरा कोई पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं जेल काट के आ चुका हूँ, उन्होंने बोलता है मुझे मेरी छोटी सी उम्र में, मतलब मुझसे शादी की थी जो मैं 14 साल की से कर दी उससे। मुझे कितनी उम्र है आपकी? अभी 17 चल रही हूँ पूरी। ऐसे साल में सब हो गया, प्यार भी हो गया, धोखा भी हो गया। हाँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया था, हमेशा मैं कहती थी कि मेरे साथ भग जाए, यहाँ से मैं जाता नहीं था सर वो। अच्छा। तो कहता था कि नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, फिर यहाँ से लेके गया, फिर उसने मेरे साथ इतने यहाँ बलात्कार लगातार करता था, धमकी देता था अभी नहीं करूंगा शादी। हाँ। अगर मैं किसी को पड़ोसी को बताने जाने की कोशिश करती तो जब भी मेरे पीछे पहुंच जाता था कहीं पे भी। अच्छा। नहीं तो इस पड़ोसी के बगल में बैठती थी, सामने वाली भाभी उनके पास बैठती थी तो वहीं पहुंच जाता था मुझे लेने के लिए, और हर बार धमकी देता रहता था। अब जब से घर टूटा, जब से 8 महीना हो गया, जब से यहाँ से फरार है, मेरे सारे पैसे लेके सब फरार है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने, इसलिए मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर नहीं तो अगर उसका इंसाफ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मेरे साथ बहुत बुरा किया उसने। पुलिस को आपने कंप्लेंट की? की थी मैंने, सबको किया, 3 महीने से कहीं सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अच्छा। कहीं नहीं हुई है, मेरे पास कंप्लेंट भी पड़ी है, मैंने कंप्लेंट दी थी उनको, मैंने सब कुछ दिया, उन्होंने मेरा कोई भी केस नहीं हो, मेरे को कहते हैं आज जा रहा है केस, कल जा रहा है केस, ये दो मैंने कंप्लेंट डाली है उनको, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे कंप्लेंट भी, ये देखो और कितने तारीख की भी कंप्लेंट है सारा इसमें है, तभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रही है पुलिस वाले कश्मीर में कोई नहीं जाएगा, वो इलाका खराब है, ये ऐसे बोल रहे, नहीं सुनवाई हो रही मेरे, वहाँ पर मना कर रहे सारे। तो आपकी उम्र जो थी वो बहुत कच्ची थी, 14 साल की थी आप। हाँ जी, यहाँ से मुझे बिना मेरी माँ के खिलाफ लेके भागा था यहाँ से, मेरी अम्मी को भी कुछ नहीं पता था, इतना बुरा किया था वहाँ पे उसने, जब मेरी यहाँ कोर्ट मैरिज में लिखवाया घर जमाई बन के रहूंगा, यहाँ रहने भी लगा, उसके बाद उसने कहा था कि मैं घर जमाई बन के मेरी मम्मी को भी प्यार व्यार में फंसाने लग गया था, उल्टा सुल्टा बोल बोल के मैं अभी उसके झांसे में फंसने लगी। 3 साल से उसने मेरे 2 बच्चे भी खराब कर दिए, उसने खुद बोला रिकॉर्डिंग में, सारा सबूत मेरे पास है क्या उसका, कहा था मैंने कि तू रिजवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो बिना बाप की औलाद हूँ, ना मेरे बाप ना भाई है, तो कहता है कि ऐसे ही तेरे साथ करूंगा क्योंकि मैं हिंदू की लड़की से चिढ़ता हूँ, ऐसा धमकी पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया मुझे। तुम हिंदू की लड़की कैसे हो? मैं उसी को बोलती हूँ ना, मेरे पापा मुसलमान है तो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं उसको हर बात बोलती रहती हूँ कि नहीं मैं नहीं, तेरी माँ हिंदू है तो तेरी माँ पे कंप्लेंट, तेरे बाप तो मर गया, उसका कोई नामो निशान नहीं है, नो कहता है ये मेरी धमकी देता है मुझे हर चीज से, अब कहता है मैं तुझे नहीं रखना चाहता, आपने उसने शादी कर ली किसी और लड़की से, कश्मीर की अपनी मासी की लड़की से, उसके वजह से मुझे अब कह रहा है कि अब नहीं रखूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा मैं, उसे मुंह पे फोन पे कहता है तलाक दे रूंगा मैं तुझे। अच्छा, फोन पे ही तलाक दे दिया? हाँ, मुंह पे तलाक देने की कहता है फोन पे, फिलहाल मुझे भी वो कहता है मैं तुझे नहीं रखने वाला,
ये धमकी मिलती रहती है। कह रहा अगर तूने कहीं पुलिस चौकी कहीं भी गई तो तुझे जान से मार दूंगा, मुझे तो पता है तुम दोनों अकेले रहते हो, मैं कभी भी आके मार दूंगा। यहाँ पे मुझे बहुत बार मारा भी था, कहीं ने मेरे किसी ने पब्लिक वाले ने किसी ने मेरे को बचाया नहीं था उस दिन भी। तो जो मोटरसाइकिल उसने खरीदी थी तुम्हारे पैसों से, वो कहाँ है मोटरसाइकिल? वो मोटरसाइकिल लेके फरार है, और ऑटो लेके भी सब सामान लेके फरार हो गया यहाँ से। जब मेरा घर टूटा था ये वाला, जब भी भाग गया यहाँ से, कह रहा था पंजाब जाऊंगा, कंप्यूटर वम्प्यूटर सारा सामान ले गया यहाँ से। कहता है मैं नौकरी करूंगा, कहीं जॉब करूंगा, फिर तुझे सेटल होने के बाद बुलाऊंगा। कंप्यूटर भी था तुम्हारे पास? पीसी थी, कंप्यूटर वगैरह सब ले गया वो कम से 60-70 हज़ार का खरीदा था मेरे पैसे से, सब ले गया। तो वो इतना पढ़ा लिखा था कि वो कंप्यूटर पे भी काम करता था? वो सब कुछ करता है। वो तो बाइक लेके गया था, एक दिन एक लड़का आया मेरे घर, अभी लगभग 10 दिन हुए तो ओल्ड से आया, पता नहीं कौन है वो। तो कहता है रिजवान कहाँ है? मैंने कि क्यों भाई, क्या बात है? तो कहता रिजवान यहाँ रहता था। तो मैंने कि हाँ मैं रिजवान की बीवी हूँ। तो मैंने कि उसने मुझे धोखा दे दिया। कह रहा रिजवान तो मेरे लिए सामान लाता था। मैंने कि भैया आप कहाँ पे रहते हो? उसने मुझे पूरी बात बता ही नहीं रहा था। क्या सामान लाता था वो? पता नहीं क्या सामान, वो पता नहीं कहता था मेरा वजन रहता था, मुझे दिखाता नहीं था मेरा वजन रहता था। तो कहता मैंने तो जो काम करा था, फिर मुझे फोन पे बोले जो तेरे शरीर पे जो वजन लगता था ना, वो सिर्फ मैं ड्रग्स का काम करता था। उसे ऐसी धमकी देने लग गया, वो ड्रग्स का काम करता था, जो मुझे वजन लगती थी तो वो ले लेता था। आधे रास्ते में बाइक से एक दिन का रास्ता जाता था, एक दिन के अंदर यहाँ आ जाता था। रात रात आ जाते थे हम लोग कश्मीर से, यहाँ आते थे। हाँ बाइक हम बीच बीच में होटलों पे रोकते थे, कहते थे मैं उसको बोली, मैंने बोला उसको कि मैं बाइक से नहीं जाऊंगी, मेरे को बहुत दर्द होता है कमर में, पेट में, मेरे से नहीं चला जाएगा। तो कहता है कि तुझे इसी में चलना, कि वहाँ पे ना ट्यूशन पे और क्या नाम है ट्यूशन पे चेक इन होती है। मैंने कहा होती है तो क्या हुआ, हम कौन से चोरी करते हैं? तो मैंने कहा मैं ट्यूशन से ही जाऊंगी, मेट्रो से गाड़ी पकड़ कर ट्यूशन से जाएंगे कश्मीर। तो कहता है नहीं मेरे को वहाँ चेक इन होती है। मैंने कहा क्यों चेक इन होती है तो क्या हुआ? तो कहता है मेरे सिगरेट विगरेट छीन लेते हैं, इसलिए मेरे पे फिर खरीदा नहीं जाता, इसलिए मैं बाइक से जाऊंगा। जब मेरे नाम की बाइक निकला रही फरीदाबाद में, यहाँ सामने से मेरे नाम की बाइक निकाली, जो मतलब वो चाहता था कि जो भी मैं ड्रेस का कहीं पकड़ा भी जाऊं पिंचर्स ये जेल जाए, पर अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया था। मेरे जो जेल जाए वो पकड़ा नहीं गया। हाँ कश्मीर में एक बार पुलिस वाले ने उसको पकड़ा था, जो मुझे छुपा के डोल रहा था वो, जब भी उसने ऐसा काम किया। और कहता है कि हरियाणा में सिर्फ उसने कम से कम 50 लाख रुपए कम से कम कमा लिया है अब तक उसने ड्रग्स बेच के। यहाँ उसने बेच दिया, और वो लड़का ओल्ड का ही है, वो ओल्ड वाला लड़का वो यहाँ आया था अभी 10 दिन बाद, जब मैं उसके कश्मीर से सीधी आई थी, जब सारी बात पता चली थी। जब पता चली, जब मुझे पता चला है ना, तब मेरे को पता चला, मैं उसको फोन करी, तूने मेरे साथ ऐसा क्योंकि ना बस मुझे पैसे कमाने थे, क्योंकि मैंने मेरा घर वर अपना घर देखना था, उसका घर पहले छोटा था। अब कहता है मंत्री की कोठी खरीद रहा है कश्मीर में, और पता नहीं कौन सी कश्मीर में कौन सी मंत्री की कोठी खरीद रहा है वो। तुम्हारे पैसों से खरीद रहा है? हाँ जी मेरे पैसे से खरीद रहा है। मेरे पास मुझे एटीएम चलानी नहीं आती है, उसने खुद मेरी एटीएम डाकखाने से बनवाई थी, और उसने खुद निकालने जाता था सारे स्ट्रीट मतलब वहाँ पे सारे में जगह में, वो अकेला आया भी पड़ा है कैमरे में, मुझे साथ लेके जाता था। फोटो है उसका कोई? हाँ जी वो फोटो मेरे पास बहुत है उसका। ये कोर्ट मैरिज का निकाह किया, जो कोर्ट मैरिज ये रहा, निकाह किया उसने तुम्हारे साथ? उसने अपनी रीति रिवाज में कोर्ट मैरिज से निकाह किया था, मेरा नाम बदल दिया उसने, मेरा आधार कार्ड उसको चेंज करना आता है आधार कार्ड, उसने अपना भी किया है, देखो ये आधार कार्ड चेंज किया उसने खुद। रिजवान अहमद खान लिखा है, रिजवान अहमद लुहार है वो। और ये रहा कश्मीर का उसका फोटो पहले का, वो आधार कार्ड भी मेरा भी चेंज किया उसने। अच्छा, मेरा भी तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम असली मैक पर बिस्मिल्ला लिखवाया उसने मेरा नाम। ये देखो ये रिजवानी, इसने कोर्ट मैरिज ही की है मेरे साथ। जब मैं 14-15 साल की थी जब किया था इसने यहाँ से मेरे साथ, छोटी सी उम्र में किया था, और मेरे साथ सब कुछ लेके भागे। मैं कहीं की नहीं रही, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आती, कहीं जाने की सोचती हूँ सब भगा देते हैं मुझे, सिर्फ गरीब समझ के। ना मेरा बाप है ना भाई है, कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ किससे इंसाफ मांगू, कोई नहीं मिल रहा मुझे इंसाफ देने वाला मेरे साथ। फरीदाबाद जो लोग इसे देख रहे हैं इस खबर को, वो कम से कम थोड़ा शेयर करें, ताकि ये उन जिम्मेदार कानों तक ये खबर पहुँचे, और वो इस बच्ची को इंसाफ दिलवा सकें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।